मुताबिक ये बैल एक दिन के अंदर 20 लीटर दूध पी जाता है और इसे हेल्दी रखने के लिए अच्छी खुराक भी देनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिगेस्ट बुल्स इन द वर्ल्ड फॉर कुर्बानी। जैसे कि आप सबको पता है कि बकरीद आने वाली है, दिस टाइम हम भी कुर्बानी देंगे बकरे की। एंड उसके साथ साथ मैं फर्स्ट टाइम होगा मेरा ये चीज़, ठीक है। मेरे कभी जिंदगी में, मैं वेजिटेरियन हूँ ऊपर से, ठीक है, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। ये खाता है मेरे डैडी, खाते हैं, आप सबको पता ही होगा अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं। मैं नॉन वेज अंडा खाता हूँ मैं, बाकी मेरे मम्मा ने मुझे बचपन से नॉन वेज नहीं खिलाया इसलिए मुझे आदत नहीं है। इसको बचपन से खिलाया इसलिए इसको आदत है, बस और कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा मुझे वो नहीं है कि पसंद वगैरह, खाया नहीं जाता है मुझसे। एनी वेज, बट कुर्बानी देनी है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सुन्नत है। एंड सुन्नत है, और अगर इंसान के पास उतनी ताकत है कि कुर्बानी दे सके बकरे की, तो देनी चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली हम देंगे इंशाल्लाह, हमारे पूरे ख़ानदान की तरफ से। बट पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े भैंसों की, बहुत बड़े बड़े जानवरों की कुर्बानी होती है, जो हलाल जानवर होते हैं ऑफकोर्स। तो उसका ही आज वीडियो देखेंगे, और लोग लाखों करोड़ों रुपये लगाते हैं कुर्बानी पर हर साल। So let's start this video. मैं हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़ी ईद आ रही है और हर कोई कुर्बानी का जानवर ढूंढ रहा होगा। वैसे तो आप सबको मंडी में कई बड़े मवेशी मिल जाएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुर्बानी के लिए मौजूद दुनिया के सबसे बड़े बुल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर कुर्बानी के जानवर की बात की जाए तो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि इसे ज्यादा से ज्यादा गोश्त वाला जानवर मिल जाए, ताकि वो इसे गरीबों में तकसीम कर सके। हमारे यहाँ जो जानवर मौजूद है इनका नॉर्मल वेट 20 से 25 मन होता है, लेकिन ये जो बैल आप देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे हैवी बुल स्पीसीज में से एक है। इस नस्ल के बुल का नॉर्मल वेट भी हमारे इलाके में पाए जाने वाले 4-5 जानवरों के बराबर होता है। ये बुल इटली में पाया जाता है। इवन इस जानवर के पास दुनिया के सबसे हैवी बुल्स में से एक होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इस नस्ल के बुल का कद 6 फुट के बराबर होता है और इसके मसल्स भी काफी हैवी होते हैं। इसी सबसे खास बात यह है कि जब ये बैल पैदा होता है तो इसका कलर कंप्लीटली ब्लैक होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये 10 माह का होता है तो ये बिल्कुल व्हाइट कलर में आ जाता है। अगर इसके वजन की बात की जाए तो ये 43 से 45 मन यानी लगभग 1.8 टन जितना होता है। जस्ट इमेजिन कि अगर इस जानवर को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसमें से इतना गोश्त निकल आएगा कि इसे तो पूरा मोहल्ला खा सकता है। डॉन किंग ऑफ एशिया। दोस्तों, ये जो ओवरसाइज बुल आप देख रहे हैं इसे पाकिस्तान का सबसे हैवीएस्ट बुल माना जाता है। ये शेखपुरा के एक फार्म में मौजूद है जिसका नाम बाबा सलीम कैटल फार्म है। बाबा सलीम एक फार्मर हैं जो मवेशी पालने के लिए पूरे पाकिस्तान में फेमस हैं। इनका कहना है कि वैसे तो इनके पास काफी बड़े बड़े जानवर मौजूद हैं, लेकिन डॉन किंग ना सिर्फ इनके फार्म का बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट बुल है। इवन इन्होंने TS नॉलेज चैनल के होस्ट तारक भाई को इंटरव्यू देते हुए चैलेंज किया कि अगर कोई इससे बड़ा और वजनी बैल लाकर इन्हें दिखा दे तो वो इसे इनाम में एक नहीं बल्कि 2-2 गाड़ियां देंगे। इनका कहना है कि डॉन किंग को साहिवाल फ्रिजन क्रॉस ब्रीडिंग से हासिल किया गया है। इस बुल की उम्र तकरीबन 5 साल है, लेकिन ये 5 साल की उम्र में ही 10 बैलों जितना ग्रो हो चुका है। असल में बाबा सलीम अपने बैल को दूध, मक्खन, काले चने और इवन देसी घी भी खिलाते हैं ताकि इसकी सेहत अच्छी रहे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस बुल का वजन 70 मन यानी ऑलमोस्ट 3 टन के बराबर है। अगर इस बैल की कुर्बानी की जाए तो इसमें से 14 बैलों के बराबर गोश्त निकल आएगा। बैल कुर्बानी के लिए इससे परफेक्ट जानवर और कोई नहीं हो सकता। जर्मन एंगस बुल। इसकी ब्रीडिंग 1950 में जर्मनी के अंदर शुरू की गई थी। इसे अर्बरेडन एंगस और एक लोकल जर्मन कैटल की ब्रीडिंग के जरिए प्रोड्यूस किया गया था। बुल की ये नस्ल इसलिए बनाई गई थी ताकि इससे लो फैट मिले। सो गाइस, अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने फोन के जरिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इंक्वायरी करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस बैल का गोश्त दुनिया का सबसे लजीज गोश्त माना जाता है। ये मीट अपने टेस्ट की वजह से काफी एक्सपेंसिव भी होता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस गोश्त में रेड और व्हाइट मार्बल डिजाइन जैसा पाया जाता है, जो कि इसे ना सिर्फ शक्ल में बहुत ज्यादा अलग बनाता है बल्कि इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है।
होता है। वेल ये बैल कद में तो इतने बड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी इनका कद कम से कम 4 फुट 7 इंच के बराबर होता है। और अगर इसके वजन की बात की जाए तो जर्मन एंगस बुल का नॉर्मल वेट 1.2 टन यानी 1200 किलो से भी ज्यादा होता है। खास करके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस जानवर का गोश्त बहुत ही शौक से खाया जाता है। इसकी वजह यह है कि इस मीट में फैट ना होने के बराबर होता है और ये टेस्टी भी होता है। वेल अगर कम फैट और हेल्दी मीट के लिहाज से देखा जाए तो कुर्बानी के लिए इससे बेहतर जानवर और कोई नहीं हो सकता। इंडोनेशियन सेमेंटल बुल। दोस्तों अब जिस बुल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका ताल्लुक इंडोनेशिया से है। ये बैल 2 फेमस ब्रीड्स को मिलाकर बनाया गया है। इसे बनाने का मकसद ये था कि इसे टेस्टी मीट हासिल किया जा सके, लेकिन इसका गोश्त लजीज होने के साथ साथ इस जानवर में एक और खास बात भी पैदा हो गई थी। असल में इंडोनेशियन सेमेंटल बुल एक ऐसा जानवर है जिसकी ग्रोथ और साइज का दारोमदार इसकी खुराक पर डिपेंड करता है। इसे जितनी अच्छी खुराक दी जाती है ये इतना ही ज्यादा साइज में ग्रो कर जाता है। इस नस्ल के बैल का कद 5 फुट 2 इंच के बराबर होता है और इनका वजन 1300 किलो से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस बैल की लार्ज स्पीसीज बनाना चाहते हैं तो इसे अच्छी खुराक देकर बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका गोश्त दुनिया के सबसे टेस्टी मीट्स में से एक माना जाता है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कुर्बानी के लिए ये जानवर बेस्ट है। योवराज। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से स्ट्रॉन्ग और हैवी बुल देखे होंगे, लेकिन इस तरह का बैल आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये बैल इंडिया के इलाके हरियाणा में मौजूद है। इसके मालिक का नाम करमवीर है। वैसे तो इस बुल का ताल्लुक मुर्रा ब्रीड से है, लेकिन इसके मालिक का कहना है कि इसका बैल इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मुर्रा बैल है। इवन इसने अपने बैल का नाम भी इंडियन क्रिकेटर युवराज के नाम पर रखा हुआ है। जहां एक एवरेज मुर्रा बैल की हाइट तकरीबन 4.5 फुट होती है, वहां युवराज का कद 5 फुट 7 इंच लंबा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका वेट भी 1.5 टन से ज्यादा है, जो कि नॉर्मल बैल से तकरीबन डबल है। करमवीर के मुताबिक ये बैल एक दिन के अंदर 20 लीटर दूध पी जाता है और इसे हेल्दी रखने के लिए अच्छी खुराक भी देनी पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि युवराज ने ब्रीडिंग बुल के टोटल 17 अवार्ड्स जीते हैं। पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में मुसलमान इस नस्ल के बैल की कुर्बानी भी करते हैं, लेकिन अगर युवराज की कुर्बानी की गई तो इससे कम से कम 38 मन गोश्त तो हासिल हो ही जाएगा। फील्ड मार्शल। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से बैल देखे होंगे, लेकिन इस जैसा यूनिक और अनयूजुअल बुल आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये बैल इंग्लैंड में रहने वाले एक शख्स का है जिसका नाम गैरी बॉर्डन है। वेल देखने में तो ये बैल बहुत ही मैसिव और परफेक्टली मैच्योर लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरान की होगी कि इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। असल में ये बुल साइज और वेट भी इतना ज्यादा है कि इसे देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। वेल बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन इस बैल की हाइट 6 फुट 5 इंच होती है और इसका वजन 1.6 टन से भी ज्यादा है। इट मींस कि ये बैल एक करोला कार से भी ज्यादा वजनी होता है। फील्ड मार्शल को इंग्लैंड का सबसे जायंट बुल माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे भी शॉकिंग बात ये है कि इस जानवर का साइज रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। खैर अगर इस बैल को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इससे कम से कम 40 मन गोश्त हासिल किया जा सकता है। पर्थनीज बुल। दोस्तों ये जो स्ट्रॉन्ग बुल आप दिख रहे हैं ये फ्रांस की एक खास बुल स्पीसीज है और इसे फ्रांस की सबसे ओल्ड ब्रीड माना जाता है। बुल की इस नस्ल की गर्दन बहुत ही यूनिक होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनका साइज भी इतना मैसिव है कि बंदा इन्हें देखकर ही हैरान हो जाता है। पर्थनीज बुल की पहचान इनके कलर शेड से होती है। इनकी गर्दन, आंखों और कानों के इर्द गिर्द का कलर काफी डार्क होता है, जो इन्हें बाकी बॉडी से डिफरेंट बनाता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब इसकी नस्ल का जानवर पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त ही इनका वजन 44 किलो से ज्यादा होता है, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनका वजन बढ़कर ऑलमोस्ट 1300 किलो तक पहुंच जाता है। इन बुल्स की बॉडी बहुत ही मस्कुलर होती है, लेकिन बॉडी के लिहाज से इनकी टांगे काफी छोटी होती है, लेकिन बहरहाल 32 मन का ये मस्कुलर जानवर कुर्बानी के लिए बेहतरीन है। हमारा रिएक्शन ऑन द बिगेस्ट बुल इन द वर्ल्ड फॉर कुर्बानी, एंड कितने सारे बुल दिखाए जो इतने बड़े बड़े भाई, अलग अलग नस्ल, अलग अलग कंट्रीज, एंड बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो था, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। हम तो बैल ज़बा नहीं करेंगे, हम बकरा ज़बा करेंगे, एंड बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा ये, क्योंकि पहले उसको खरीद के लेके आना है ना, फिर उसके बाद उसको पता नहीं बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैंने किसी को बोला हुआ है भाई को हमारे, तो वो हमारी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह।
एंड तो लेट्स सी तो कैसा होगा वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर ज़रूर करेंगे व्लॉग में. आप सबको पता है डेली व्लॉग्स आते हैं अपने, तो जो डेली कुछ होगा तो आपको तो पता चल ही जाना है ना. सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय, टेक केयर.